एक समय की बात है जब पिंकी वृंदावन गांव में अपनी चाचा चाची के साथ रहा करती थी। पिंकी के होने के बाद ही पिंकी की मां का देहांत हो गया था। उसके बाद पिंकी के पिता पिंकी की परवरिश करते थे। पिंकी के पिता का नाम गोपाल था। गोपाल जानता था कि पिंकी को एक मां की आवश्यकता है, परंतु वह दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए गोपाल अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए उसे अपने छोटे भाई की पत्नी सुजैन के पास छोड़ आता है। गोपाल शहर में एक वकील था और वो बिंदापुर गांव में अपनी बेटी से मिलने कभी कभी आ जाया करता था। सुजैन अपने पति के बड़े भाई की बहुत इज्जत करती थी, इसलिए वो कभी भी पिंकी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती। सुजैन की खुद की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो पिंकी को ही अपनी औलाद समझकर अच्छे परवरिश करती है। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। पिंकी का सपना एक राइटर बनने का था, इसलिए वो पूरे दिन घर में बैठकर कहानियां लिखती। जहाँ देखो कागज ही कागज पड़े हैं। मैं तो ये कागज उठा उठा कर परेशान हो गई हूँ। पता नहीं ये घर है या कागज बनाने की फैक्ट्री। अरे क्या हो गया है भाग्यवान, तुम्हारा रोज का ही काम है। रोज ही तुम सफाई करते करते एक ही बात क्यों बोलती हो? क्या हुआ चाचा, आप क्यों इतने जोर से बोल रहे हो? कुछ नहीं पिंकी, वह बस तेरी चाची थोड़ी सफाई करते करते थक गई है। देख पिंकी, इतना सारा काम मेरी बस की नहीं है। तुम अपना ये लिखने का काम अपने कमरे में ही किया करो, इधर उधर कागज मत फैलाया करो, और काम खत्म करने के बाद अपने कमरे की सफाई कर दिया करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिंकी बहुत ईमानदार और सुशील लड़की थी। पिंकी को कहानी लिखने का बहुत शौक था। वो राइटर बनना चाहती थी। वो अक्सर अपने किताबों में कुछ न कुछ लिखती रहती थी। वो अपने चाचा चाची के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। उसकी चाची का स्वभाव जरा तीखा था। वो पिंकी से अब बहुत चिढ़ने लगी थी। बस अपने पति के कारण वो कुछ नहीं कह पाती थी और चुप रहा करती थी। आज मुझे ये पूरी कहानी लिखनी ही होगी ताकि मैं इसे प्रिंट करवा सकूं। ओहो, मेरा पेन तो खत्म हो गया। ये कहानी पूरी होती नहीं कि मेरा पेन खत्म हो जाता है। चलो जाकर पेन का एक नया सेट लेकर आती हूँ। पिंकी अपने चाचा से पेन के लिए पैसे मांगने के लिए जाती है। चाचा मुझे पेन के लिए पैसे दे दीजिए, मेरे पेन खत्म हो गए हैं। इस बार मुझे कुछ अच्छे से पेन चाहिए और महंगे वाले, ताकि वो जल्दी खत्म ना हो। सुजैन पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है और वो कहती है, पैसे क्या पेड़ पर रुकते हैं? पिंकी क्या तुम जानते नहीं हो तुम्हारे चाचा की कमाई कितनी है? वो तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकते हैं। कोई बात नहीं, मेरी एक ही तो बेटी है। मैं इसके शौक पूरे नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और अगर मेरी बेटी एक राइटर बनना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है? वो पिंकी को पैसे दे देता है। पिंकी को पैसे मिल जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। पिंकी वो पैसे लेकर बाजार जाती है और स्टेशनरी की दुकान पर जाकर कहती है, भैया मुझे कुछ अच्छी कंपनी के पेन दे दो, 4 पैकेट दे देना। अरे इतने सारे पेन का क्या करोगे तुम? मुझे कहानी लिखने का बहुत शौक है और मैं बड़े होकर एक राइटर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं बहुत लिखती हूँ। इतना ज्यादा लिखने के लिए मुझे बहुत सारे पेन चाहिए होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, यह लो तुम्हारे पेन। पिंकी पेन लेकर अपने घर वापस आती है। घर पर पिंकी की चाची सफाई कर रही होती है और पिंकी के चाचा घर पर नहीं होते हैं। सही मौका देखकर पिंकी की चाची पिंकी से कहती है, अरे कहाँ से चली आ रही हो मैडम, कभी घर के कामों को भी देख लिया करो, मेरे साथ कामों में हाथ बटा लिया करो। पूरा दिन ये कागज और पेन लेकर बैठी रहती हो। मैं सब जानती हूँ कि तुम काम से बचने के लिए ये सब करती हो। पिंकी को अपनी चाची की ये सारी बातें बहुत बुरी लगती है और वो अपनी चाची के आगे बोल पड़ती है, चाची आप हमेशा मुझसे इस तरह का व्यवहार क्यों करती हैं? आप चाचा के सामने तो मुझे कुछ नहीं कहती हैं। अगर चाचा को पता चल गया कि आप मुझसे इस तरह का व्यवहार करती हैं, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं हमेशा चाचा से आपका ये व्यवहार छुपाती रहती हूँ। इस तरह से दोनों में बहस शुरू हो जाती है और बहुत देर तक चलती है। थोड़ी देर बाद अपनी चाची के बड़े होने का लिहाज करके पिंकी वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। पता नहीं चाची को मुझसे क्या परेशानी है। चलो कोई बात नहीं, जैसी भी है मेरी चाची है, अब मैं अपनी कहानी पूरी कर लेती हूँ। कुछ समय बाद पिंकी अपनी कहानी खत्म कर लेती है और उसको प्रिंट करवाने के लिए दुकान पर जाती है। क्या बात है मैडम, बताइए क्या करना है? मुझे अपनी कहानी प्रिंट करवानी है, मैं एक बहुत बड़ी राइटर बनना चाहती हूँ। ठीक है।
पिंकी की कहानी प्रिंट हो जाती है और वह मार्केट में चलने लगती है। पिंकी की लिखी गई कहानियाँ सब लोग पढ़ने लगते हैं, उसे बहुत पसंद करते हैं। धीरे धीरे करके पिंकी की पहचान एक राइटर के रूप में बन गई। चाचा, अब मैं राइटर बन गई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और ये तो बस अभी शुरुआत है। मैं और बड़ी राइटर बनना चाहती हूँ, बहुत बड़ी। पिंकी की ये कामयाबी की बातें सुनकर पिंकी की चाची मन ही मन जलने लगती है। एक दिन जब पिंकी घर पर नहीं होती तो उसकी चाची उसकी सभी किताबें और पेन कचरे के डब्बे में फेंक देती है। बहुत पॉपुलर हो रही है ना राइटर, अब जब ये किताब और पेन ही नहीं रहेंगे तो कैसे ये राइटर बनेगी, और आगे ये जो भी किताब और पेन लेकर आएगी वो भी इस तरह से कचरे के डब्बे में जाएंगे। कुछ समय बाद पिंकी के मन में एक नया आइडिया आता है और वो एक पॉपुलर व्यक्ति के लिए उसकी जीविका लिखने की सोचती है। चलो क्यों ना मैं अपनी कहानी की शुरुआत कर लेती हूँ। मेरी पेन कहाँ है और किताबें भी नहीं दिखाई दे रही। चाची चाची, क्या आपने मेरी किताबें देखी है? यहाँ पर एक भी पेन नहीं है। मुझे क्या पता, मैं तुम्हारे कमरे का कोई भी सामान टच नहीं करती हूँ। अपना सामान तुम खुद रखती हो, यही कहीं होगा, खुद जा कर देखो। अपनी चाची का ये हाव भाव देखकर पिंकी समझ जाती है कि कुछ न कुछ इन्होंने ही किया है। पिंकी इधर उधर बहुत ढूंढती है परंतु उसे कुछ नहीं दिखता और वो अपना पेन और किताबें खरीदने के लिए बाहर जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी सभी पेन और किताबें कचरे के डब्बे में पड़ी है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब उसकी चाची का ही किया धरा है। ये सब देख पिंकी उदास हो जाती है। पिंकी समझ गई थी कि उसकी चाची को उसका राइटर बनना अच्छा नहीं लग रहा है। पिंकी अपने मन को थोड़ा हल्का करने के लिए जंगल जाती है और वहाँ एक नदी के किनारे पेड़ के नजदीक बैठ जाती है। पिंकी काफी दिनों बाद आज बाहर गई थी, जिससे उसे नदी पेड़ पौधे देखकर आज उसे अच्छा महसूस हो रहा था। पिंकी पेड़ पौधों और नदियों से अपनी बातें बांटने लगती है। बातें करते करते कब शाम हो जाती है पिंकी को पता ही नहीं चलता। ओहो, आज तो यहाँ आकर कब शाम हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम सबको अपने दिल की बात बताई, क्या तुम में से कोई मुझे ये बता सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए? पिंकी की ये सारी दुख भरी कहानी सुनकर वहाँ एक परी प्रकट होती है। पिंकी, मैं समझ गई हूँ कि तुम किसी से ज्यादा परेशान हो। तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने कभी भी अपनी चाची के बारे में बुरा नहीं सोचा है, परंतु तुम्हारी चाची का ये व्यवहार देखकर मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। ये लो जादुई किताब। ये जादुई किताब और पेन तुम्हारी हर तरह से मदद करेगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। पिंकी पेन और किताब लेकर अपने घर वापस आ जाती है। घर वापस आकर वो देखती है कि उसके चाची अपने कमरे में आराम कर रही है और खाना नहीं बना है। वो अपने कमरे में चली जाती है। पिंकी मन ही मन खाने के बारे में सोच रही होती है, तभी उसके सामने खाना प्रकट हो जाता है। पिंकी समझ जाती है ये खाना जादुई किताब से आया है। पिंकी घर पर खाना खा लेती है और वो किताब और कलम अपने टेबल पर रख कर सो जाती है। पिंकी की चाची जब सोकर उठती है तो पिंकी के कमरे में आती है। वो देखती है कि खाने के बर्तन खाली पड़े हैं और पिंकी आराम से सो रही है। तभी पिंकी की चाची की नज़र उसकी किताब और कलम पर जाती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी उसे जोर का एक बिजली का झटका लगता है, जिससे उनकी बुरी तरह से हालत खराब हो जाती है। अपनी चाची की आवाज़ सुनकर पिंकी उठ जाती है। क्या हुआ चाची जी आपको? आपकी तबीयत मुझे खराब लग रही है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। पिंकी, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। एक मैं हूँ जो तुम्हारे बारे में इतना बुरा सोचती थी, मुझे माफ कर दो बेटी। ये सारी बातें दोनों में हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर पिंकी के चाचा आ जाते हैं। क्या हो रहा है ये सब, और तुम्हें ये क्या हो गया है? पिंकी की चाची सारी बातें पिंकी के चाचा को बताती है कि किस तरह वो पिंकी से जलने लगी थी और उसने पिंकी के किताब और कलम कचरे के डब्बे में डाल दिए थे। वो बताती है कि अब वो सुधर चुकी है, अब ऐसा पिंकी के साथ कभी नहीं करेगी। इसके बाद वो पिंकी से माफ़ी मांगती है और पिंकी का एक राइटर बनने का सपना पिंकी के साथ मिलकर पिंकी का सपना पूरा करती है। इस तरह अपने चाचा चाची के साथ हंसी खुशी से पिंकी रहने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों,
अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, सुनीता अपनी माँ कमला के साथ रहती थी। सुनीता दिखने में बहुत ही काली थी, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती थी। उसकी जिंदगी बचपन से ही बहुत कठिन थी। पिता को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। प्यार करने लायक सिर्फ एक माँ ही थी। सुनीता को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत ही शौक था। वो हमेशा सिनेमा में दिखाए जाने वाले एक्टर एक्ट्रेस के नकल कर अपनी माँ को दिखाया करती थी। सुनीता जब 10 साल की थी तो उसकी माँ कमला एक अनजान बीमारी के कारण मर गई। माँ मैं क्या करूँगी, तुम्हारे बिना तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। नीलम जब अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर रही थी तो उसकी मौसी आ गई। दीदी ये क्या हो गया, कैसे हो गया, इस फूल सी बच्ची को तुम अकेले छोड़ गई। सुनीता तू फिकर मत कर, आज से तू मेरे साथ ही रहेगी, मैं तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। सच में मौसी? चलो, माँ नहीं तो माँ जैसी मौसी का सहारा तो मिला। सुनीता ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया और अपनी मौसी के साथ उनके घर आ गई। सुनीता की मौसी की एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रिया था। मौसी के घर जाने के बाद तो पहले दिन तो मौसी ने सुनीता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। सुनीता को प्रिया की देखभाल करनी थी। सुनीता घर के कामों में बहुत होशियार थी, इसलिए वो प्रिया की देखभाल अच्छे से करने लगी। ये ले सुनीता खाना खा लो, कल से तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम भी कर लेना। सुनीता खाना खाकर सो जाती है और अगले दिन से सुनीता टीवी में देखे हुए किरदारों की नकल करके प्रिया को बहलाया करती थी। ए छोटी बच्ची हो क्या? देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। सुनीता अब जवान हो गई और अब सुनीता की मौसी का सुनीता के प्रति व्यवहार भी बदल गया था। अब वो सुनीता से पूरे घर का काम करवाने के बाद भी उसे भर पेट खाना नहीं देती थी। एक दिन सुनीता सुबह उठने में थोड़ा लेट हो जाती है तो उसकी मौसी कहती है, ए कलमोही उठ जा, सूरज सर पर चढ़ गया है और तू अभी तक सो ही रही है, जल्दी से उठ जा और मेरे लिए चाय बना और उसके बाद मेरे सारे कपड़े भी धो दियो। सुनीता उठ जाती है और मौसी के लिए चाय बनाने किचन में चली जाती है। तभी हाथ लगने के कारण सुनीता के ऊपर चाय गिर जाती है और वह जल जाती है। आह माँ जल गई, जल गई, कोई मुझे बचाओ, मेरे ऊपर चाय गिर गई, बहुत तेज जलन मच रही है। सुनीता की आवाज़ सुनकर सुनीता की मौसी वहाँ आ जाती है और कहती है, इतने तेज क्यों चिल्ला रही है, थोड़ी सी चाय ही तो ऊपर गिरी है, मैं योगा कर रही थी और तूने चिल्लाकर सारा मूड खराब कर दिया। ऐसा कहकर सुनीता की मौसी सुनीता को एक थप्पड़ मार देती है। अपनी मौसी से परेशान होकर सुनीता एक दिन रोते हुए जंगल में चली जाती है। सुनीता चलते चलते बहुत थक जाती है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि पेड़ के बगल से एक सुनहरी सीढ़ी बादलों में जा रही थी। ये देख सुनीता कहती है, इस घने जंगल में ये सीढ़ियाँ बादलों में कैसे जा रही है, कहीं ये कोई जादुई सीढ़ियाँ तो नहीं, जरा जाकर देखती हूँ। सुनीता सीढ़ियों से चढ़कर बादलों में चली जाती है। तभी वो देखती है कि बादलों में तो जादुई दो लहंगों के घर है। ये दो लहंगे के घर यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनीता ऐसा कहकर जादुई लहंगों के घर की तरफ जाने लगती है। सुनीता जैसे ही पहले सुनहरे लहंगे घर में जाती है, उसे वहाँ 3 संदूक रखे हुए दिखाई देते हैं। तभी सुनहरा लहंगा का घर कहती है, सुनीता इस जादुई सुनहरे लहंगे के घर में 3 संदूक है, पहला बहुत बड़ा संदूक, दूसरा जो थोड़ा छोटा संदूक और तीसरा जो सबसे छोटा संदूक है, तुम्हें इन तीनों में से कोई एक संदूक चुनना है, उस संदूक के अंदर से जो भी निकलेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चुनती हूँ। सुनीता लालची लड़की नहीं थी,
इसलिए वो उन तीनों संदूकों को ध्यान से देखकर सबसे छोटा वाला संदूक चुन लेती है। तभी वो संदूक खुल जाता है और संदूक में से बहुत ही चमकदार हीरा निकलता है। सुनीता ये देख बहुत खुश हो जाती है। तभी सुनहरे लहंगे का घर बोलती है, सुनीता ये चमकदार हीरा तुम्हारा है, तुमने बिना लालच के सबसे छोटा वाला संदूक चुना, जिससे अब ये चमत्कारी हीरा तुम्हारा है, इसे रख लो। सुनीता वो हीरा लेकर उस दूसरे चांदी वाले लहंगे के घर में चले जाती है। तभी सुनीता देखती है कि वहाँ पर एक मेकअप सेट रखा हुआ है। सुनीता उसमें से एक फेस क्रीम उठाकर चेहरे पर लगा लेती है। तभी वो देखती है कि वो तो बहुत गोरी हो गई है। ये देख सुनीता बहुत खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। आज सुनीता बहुत खुश थी। वो अपनी मौसी को सभी बात बता देती है और लहंगे के घर से मिला हीरा अपनी मौसी को दे देती है। हीरा मिलने के बाद सुनीता की मौसी सुनीता से बहुत खुश हो जाती है। उस दिन के बाद सुनीता बहुत खुश रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसी के इलाके में एक नई सिनेमा की शूटिंग होने वाली थी। ये खबर सुनकर सुनीता बहुत एक्साइटेड थी। मौसी, वो कल से शूटिंग शुरू होने वाली है। हाँ हाँ पता है, तेरे लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब तो तेरा एक्टिंग करने का भूत सर चढ़ जाएगा। तो मौसी, कल से मैं जल्दी काम खत्म कर शूटिंग देखने जा सकती हूँ क्या? जल्दी काम खत्म कर पाई तो चली जाना। सुनीता जल्दी जल्दी काम खत्म करके शूटिंग देखने जाने लगी। अपने फेवरेट एक्ट्रेस को अपनी आँखों के सामने देखकर वो बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन शूटिंग चलने के बाद एक दिन एक नई लड़की किरदार निभाने वाली थी। सीन बहुत इमोशनल था, लेकिन उस लड़की से वो नहीं हो पा रहा था। फिल्म के डायरेक्टर बहुत बार ट्राई कर चुके थे, इसलिए वो भी अब बहुत परेशान हो गए थे। नहीं नहीं, कैटरीना हो नहीं पा रहा है, लग नहीं रहा कि तुम डरी हुई हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं कर तो रही हूँ ना सर। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो फिर से एक बार ट्राई करो। रोल, कैमरा एंड एक्शन। कैटरीना एक बार फिर से करने की कोशिश करती है, परंतु वो अच्छी तरह नहीं कर पाती। ये देख डायरेक्टर कहता है, कट कट। सुनीता पास में ही खड़ी थी। कैटरीना की एक्टिंग देखकर सुनीता को हंसी आ गई। ये देख डायरेक्टर को गुस्सा आ गया। उसने सुनीता से कहा, इसमें हंसने वाला क्या बात है, बहुत आसान है क्या? हाँ आसान ही तो है, कैरेक्टर को फील ही तो करना है और क्या। इतना आसान लग रहा है तो एक बार तुम करके दिखाओ। सुनीता फट से कैटरीना की जगह आकर खड़ी हो गई और डायलॉग बोलने लगी। उसका एक्सप्रेशन देखकर सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए और वहाँ खड़े लोग ताली बजाने लगे। वेल डन लड़की, सच में तुमने बहुत अच्छी तरह से किरदार निभाया। डायरेक्टर मन ही मन, यह लड़की तो सच में पैदाशी ही कलाकार है, अगर यह फिल्म इंडस्ट्री में आ गई तो तहलका मचा देगी। लड़की तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम सुनीता है। सुनीता, क्या तुम यह किरदार निभाओगी? सुनीता ये सुनकर किरदार निभाने के लिए हाँ कर देती है और उसके बाद उसने जमकर एक्टिंग की। किरदार बहुत छोटा सा था, लेकिन सुनीता ने उसको बहुत अच्छे से निभाया। फिल्म रिलीज हुई और कुछ ही दिनों में वो सुपर हिट हो गई। सभी ने सुनीता को बहुत पसंद करा और उस दिन के बाद सुनीता ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए और फिर उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो एक फेमस एक्ट्रेस बन गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।